हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय हुए कथित घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस भड़क गई है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस ने डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से सदर युवा कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 जैसी महामारी के समय हुए इस घोटाले से न केवल देवभूमि हिमाचल का नाम पूरे प्रदेश में धूमिल हुआ है, बल्कि इन घोटालों के कारण प्रदेश की जनता का प्रदेश सरकार के ऊपर से विश्वास भी उठ गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस स्वास्थ्य निदेशक के समय ये घोटाला हुआ है, उस स्वास्थ्य निदेशक को भाजपा के एक नेता ने सेवा विस्तार देने की सरकार से पैरवी की जा रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस घोटाले के तार सीधे भाजपा से जुड़े हुए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि विपक्ष के विरोध के कारण भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार की इस करतूत के कारण मानवता शर्मसार हुई है तथा इससे प्रदेश सरकार के भीतर फैला भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है। युवा कांग्रेस ने राज्यपाल से इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास है, ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का त्याग पत्र देना मामले को भटकाने का प्रयास है। युवा कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की है तथा कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मैं पवन ठाकुर, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। आज प्रदेश युवा कांग्रेस के सौजन्य से हमने पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस ने एक धरना विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए हम मांग करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पोस्ट से इस्तीफा दें, क्योंकि हम आप सभी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में जो स्वास्थ्य घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य उपकरणों को लेकर, उसको मतलब जो हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा बनता था। हमारी मांग यही है कि मतलब हाईकोर्ट के जज से इस जांच की करवाई, इस मामले की जांच करवाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें, ताकि इस जांच में कोई अड़चन ना आए।